मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जंगलों में मौजूद है भारत का सबसे अनोखा इतिहास। 1,00,000 साल से भी ज्यादा पुरानी गुफाएं और उन गुफाओं में मौजूद है 50,000 साल से भी पहले से रह रहे इंसानों के सबूत। करीब 700 गुफाओं और 10 किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैले इस इतिहास का हमारे इतिहास में एक खास स्थान है। ये जगह उन लोगों से जुड़ी है जिन्होंने सबसे पहले पत्थर बनाने सीखे थे और इस जगह का संबंध रहा है महाभारत काल से भी। 1957 में खोजी गई इस जगह का नाम है भीमबेटका। कौन थे यहाँ रहने वाले लोग, वो कैसे यहाँ रहते थे, क्या करते थे और उनकी मौजूदगी का पता कैसे चला, आज हम इस वीडियो में इस अनोखी जगह के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आखिर इस जगह को भीमबेटका क्यों कहा जाता है। तो इस नाम के पीछे है महाभारत की कहानी। भीमबेटका का अर्थ है पांडव पुत्र भीम के बैठने का स्थान। कहा जाता है कि भीमबेटका के इन जंगलों में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त बिताया था और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया भीमबेटका। अब आते हैं इस जगह के सबसे पुराने इतिहास पर। साल 1957 की बात है, वीएस वकांकर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस जगह को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि इस जगह में कुछ खास है। जब वो इन जंगलों में और अंदर गए तो उन्हें कई गुफाएं दिखी और जब उन्होंने इन गुफाओं को करीब से देखना शुरू किया तो उन्हें मिले एक प्राचीन सभ्यता के सबूत। वो सबूत जो इतिहास में हमारी लंबी यात्रा को दिखाते हैं, वो यात्रा जो हड़प्पा से भी 10,000 साल पुरानी है। इन गुफाओं में इंसानों ने धूप, बरसात और सर्दी से बचने के उपाय किए। आज से करीब 50,000 साल पहले के लोगों ने अपने रहने के सबूत यानी कि पेंटिंग्स और अपने बर्तन यहाँ पर छोड़े। इन पेंटिंग्स से पता चलता है कि पुरापाषाण काल में यहाँ रहने वाले लोग पत्थर के औजार बनाते थे, खाने के लिए पेड़ों से गिरे कंदमूल को इकट्ठा करते थे और शिकार करके भी अपनी भूख मिटाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने भीमबेटका में 700 से भी ज्यादा गुफाएं खोजी हैं जिनमें पेंटिंग्स मिलती हैं। इसमें से आज सिर्फ 12 गुफाओं में ही जाने की इजाजत है, बाकी में जाना मना है। माना जाता है कि यहाँ इंसान करीब 1,00,000 साल से रह रहे थे और उन्होंने करीब 50,000 साल से लेकर 30,000 साल के बीच में यहाँ रहते रहते पेंटिंग बनानी सीखी और पेंटिंग बनानी शुरू की। इन पेंटिंग से कुल 7 अलग अलग टाइम पीरियड के लोगों के यहाँ होने की बातें मिलती हैं। इसमें पुरापाषाण काल यानी जब इंसान पत्थर के औजार बनाता था तब से लेकर नवपाषाण काल यानी कि जब इंसान ने खेती करनी सीख ली तब तक की पेंटिंग्स मिलती हैं। हर काल में लोगों ने जो पेंटिंग बनाई है उससे यहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में, उनके खान पान और उनके समाज में बदलाव भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। जैसे अगर पुरापाषाण काल की बात करूं तो आज से करीब 50,000 साल पहले ये लोग यहाँ रह रहे थे और उन्होंने अपनी पेंटिंग में अपनी डेली लाइफ को बनाया, जैसे कि जानवरों की पेंटिंग, डांस करते हुए लोग वगैरह वगैरह। उस टाइम पर लोग ऐसे ही जगहों पर बसा करते थे जहाँ पर आसानी से पानी भी मिल जाए, रहने को गुफा और खाने पीने के लिए आसानी से मिल जाने वाला शिकार और कंदमूल। भीमबेटका ऐसी ज़रूरतों के लिए परफेक्ट जगह थी। जंगल में उन्हें सब कुछ मिल गया। इन्हें देखकर माना जाता है कि इन गुफाओं में 1,000,000 साल तक ये लोग रहे और उन्होंने इस दौरान चित्र बनाने सीखे। उन्होंने वो चीज़ें बनाई जिन्हें या तो वो अपने सामने होता हुआ देख रहे थे या फिर जो भी उनके जीवन में हो रहा था उसे बनाया। ऐसी पेंटिंग मेसोपोटामिया से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में मिली जहाँ पुरापाषाण काल के लोग रहा करते थे। जब 12,000 साल पहले मेसोलिथिक टाइम पीरियड आया तब उनकी पेंटिंग में भी अंतर आया। ये वो टाइम था जब इंसानों ने और भी एडवांस पत्थर के औजार बनाने सीख लिए। इससे उनका शिकार करना आसान हो गया था और वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकते थे। ये चीज़ें यहाँ की पेंटिंग्स में भी दिखती हैं, जैसे कि मेसोलिथिक टाइम की पेंटिंग पहले से छोटी दिखती हैं और इनमें अब शरीर पर सजावट भी दिखती है। इसमें जानवरों के साथ साथ जानवरों के शिकार की भी पेंटिंग दिखने लगी थी। इसके साथ ही जिन हथियारों से वो शिकार करते थे वो भी अब पेंटिंग में इन लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि कांटेदार भाले, नुकीली लाठियाँ, धनुष और तीर। इसी टाइम पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जिसमें ट्राइब्स के आपस में युद्ध को भी दिखाया गया है। इसके साथ ही आग के सामने डांस करते लोग, जो शायद उनका फोक डांस होता होगा, पक्षी, उनके अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रेग्नेंट औरतें और मारे हुए जानवरों को ले जाते इंसान भी दिखते हैं। इस तरह से मेसोलिथिक टाइम पीरियड में भीमबेटका में रहने वाले लोग एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बना चुके थे
जहां वो मिलजुल कर रहते भी थे, उनके ग्रुप से बन गए थे और ये लोग अपने अपने ग्रुप की रक्षा के लिए शायद युद्ध भी लड़ते थे। आगे आने वाले टाइम में जब नवपाषाण काल आया तो पता चलता है कि ये लोग खेती करने वाले लोगों से जुड़े, जो शायद भीमबेटका के आसपास के ही इलाकों में खेती करते होंगे। धीरे धीरे इन्होंने भी खेती करना सीख लिया और ये उन लोगों के साथ बार्टर सिस्टम से जुड़े हुए थे, यानी कि सामानों की अदला बदली से उनकी इकोनॉमी चलती थी। फिर हड़प्पा सभ्यता के आसपास, यानी कि आज से करीब 5000 साल पहले, भीमबेटका के लोगों ने अपनी पेंटिंग्स में रंग भरने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी पेंटिंग में लाल, सफ़ेद और पीले रंगों का इस्तेमाल किया। ये वो टाइम था जब शायद इनका अपना धर्म भी होता था और इन्होंने अपने लोगों से बात करने के लिए अपनी भाषा और लिपि भी शायद बना ली, क्योंकि इस टाइम पर यक्षों की पेंटिंग के साथ साथ वृक्ष देवता और जादुई रथों की पेंटिंग भी मिलती है। इसके साथ ही हाथियों, बारासिंघा, बाइसन और हिरण को भी पेंटिंग्स में दिखाया गया है। एक चट्टान पर एक मोर, एक सांप, एक हिरण और सूर्य को दिखाया गया है। ऐसे ही धनुष, तीर, तलवार और ढाल लिए शिकारियों के साथ शिकार के सीन भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो भीमबेटका की पेंटिंग्स में इंसान की हजारों हजार साल की यात्रा दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने प्रकृति पर विजय पाई और जंगल में रहते हुए अपना एक समाज बनाया। इस तरह से भीमबेटका के लोगों ने हजारों साल की यात्रा में जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी जिया उसे अपनी पेंटिंग्स में उतारा। इन्हें देखकर हम उस टाइम पीरियड के लोगों का अंदाजा लगा सकते हैं, उनके रहन सहन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस जगह को लेकर एमपी स्टेट गजेटियर के पूर्व संचालक शंभुदयाल गुरु का कहना है कि ये जगह एक विलुप्त इंसानी दुनिया का प्रमाणित दस्तावेज है, जो कि भारत की सबसे पुरानी बस्ती है। दोस्तों, ये थी कहानी भीमबेटका की। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।